हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप रे द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कंतोयो शीतोष्णो सुख दुख दाह आगामापायिनो अनित्यास् तां स्थितिक्षेत्सो भारत मात्रा स्पर्शास्तु कंतोयो शीतोष्णो सुख दुख दाह आगामापायिनो अनित्यास् तां स्थितिक्षेत्सो भारत अनुवाद हे कुंती पुत्र सुख दुखर अस्थायी आविर्भाव एवं कालक्रमे सेमानंकर तिरोभाव शीत ग्रीष्म ऋतु भली आसे एवं चली जाए हे भरत वंशज सेमाने इंद्रिय भोगर जात होंती एवं व्यक्ति व्यक्ति सेतिरे विचलित न होई सेगुड़ी को सही जीवा को अभ्यास करिवा उचित प्रॉपर्ट बाय शिल प्रोपा कर्तव्य संपादन समय रे व्यक्ति को किपरी अस्थायी सुख दुख भोगिबा को पड़े पड़िबो ताहा शिक्षा करे उचित वैदिक निर्देश अनुसार व्यक्ति की बॉडी सकाळु स्नान करिबा को हेबो एपर के माघ मास रे मध्यम बॉडी सकाळे स्नान करिबा को हेबो से समय रे भारी शीत पड़ता है तथापि जे व्यक्ति धर्मनीति अनुसरण करता है से एते शीत सत्वे से समय रे स्नान करिबा को दिद्धावध करे नाही ठीक सेही परि एक स्त्री लोक ग्रीष्म ऋतु रे अर्थात मे जून मास रे जतले खूब गरम पड़िथाय सेतबेले निया पाखरे बसी खाद्य पाक करिबा को मध्य दिद्धावध करे नाही जलवायु जते अस्वच्छंद हेउ पछके ता सत्ते कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति निजर कर्तव्य संपादन करिया उचित ठीक सेही परि युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करिबा क्षेत्रीय धर्मनीति एवं जदियो नीति दृष्टि कौनसी व्यक्ति तार बंधु एवं आत्मीय स्वजन साथी युद्ध करने को पड़े तथापि से विरत होगा उचित नुहे व्यक्ति को धर्मनीति अनुसरण करने को पड़ कारण तद्वारा से ज्ञान भूमिका को उन्नीत हो पार ज्ञान और व्यक्ति बल ही जड़े माया कबल उद्धार पाईपर ए श्लोक अर्जुन को जो दुईट भिन्न नाम संबोधित करपूर्ण अटे ताकु कौंतेय नाम संबोधन संबोधित करा द्वारा माँ संपर्क कृष्ण सहित जो रक्त संपर्क अच्छी से कथा सूचित होता बेले भारत बोली संबोधन करने द्वारा पिता संपर्क महानता सूचित होता और माता उभय संपर्क से एक बड़ परंपरा रही आसी यह सूचित हो उच्चवंश संभूत ओ सुमहत परंपरा आसुताए से कर्तव्यनिष्ठ अटे से कदापि कर्तव्य संपादन हेला करिवे नाही ए दृष्टि अर्जुन युद्ध विरत होवा उचित नुहे हरे कृष्ण ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद ओ सन ऑफ कुंती द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception o scion of Bharata and the most learned tolerate them without being disturbed proper by silo proper in proper discharge of duty one has to learn to tolerate non permanent appearance and disappearance of happiness and distress According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning. Even during the month of Māgha, January and February, it is very cold that time. But in spirit of that, a man who abides by the religious principle does not
hesitate to take his birth. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June, the hottest part of summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of kṣatriyas. And although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate for his prescribed duty. One has to follow his prescribed rule and religious principle in order to raise a platform of knowledge, because by knowledge and devotion only can one liberate himself for cloth of maya. The two different names of addressed given by Arjuna are also significant. To addressed him as Kaunteya significant his great blood relation from his mother's side, and addressed to Bharata significant his greatness of his father's side. From both sides supposed to have a great heritage, bring responsibility in matter of proper discharge of duty, therefore he cannot avoid fighting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Jai Shila Prabhupada, Jai Shila Gurudev. Hare Krishna.